धन्यवाद सभी को। जय मसीह की, जय मसीह की। और हर हफ्ता हमें भजन संहिता में से बहुत कुछ हम सीखने के लिए मिलता है। और भजन संहिता एक पुस्तक है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन सीखने वाले होना चाहिए। कभी कभी हम पढ़ते हैं और इस चीज को सीखने के लिए प्रयास नहीं करते। प्रभु का वचन बताता है कि आप मत्ती लिखित सुसमाचार पढ़ोगे उसका 24 अध्याय में प्रभु का वचन, हर वचन का एक अर्थ है, मीनिंग है। और ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन प्रभु का जो शब्द है, प्रभु का वचन है, वो कभी टलेगा नहीं। बहुत दृढ़ वचन है। और प्रभु का मुंह से जो वचन निकला है, वो वचन हमारा सिर्फ मन को ही और एक व्यक्ति को ही सुधारेगा ऐसे नहीं, पूरा देश को बदल देगा, पूरा इंसान को बदल देगा, पूरा देश का परिस्थिति को भी वो बदलने का शक्ति रखता है। इसीलिए प्रभु का वचन को हमें बहुत नजदीकी से जानने की प्रयास करना चाहिए। हर वचन का अलग अलग मीनिंग है, हर वचन का अलग अलग अर्थ है, उस अर्थ को हमें समझना चाहिए। और खास करके कौन सा समय ये वचन बोला गया है, और उस समय जो बोला गया उस समय उसी जगह का कि देश का परिस्थिति क्या था, किसका संदर्भ में बोला गया है वचन, और ये क्यों बोला गया है, और वो वचन आज द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, आज का समय में मेरा जीवन में क्या फर्क लाएगा। प्रभु यीशु बहुत सारे वचन बहुत लोगों को डायरेक्ट बोला है, शिष्यों के लिए डायरेक्ट बोला है, कोई कॉन्ग्रीगेशन के लिए डायरेक्ट बोला है, कोई चर्च के लिए बोला है, कोई ग्रुप के लिए बोला है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए बोला है कि जा और आज से पाप नहीं करना और तेरा पाप क्षमा हो गया और बहुत सारे चीज। तो ये हमें जानना है कि प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, जैसे अभी भजन संहिता पढ़ा गया, स्तुति का एक गीत दाऊद एक गाना माध्यम से कितना सुंदर तरीके से लिखा है कि प्रभु को कैसे हम स्तुति प्रशंसा कर सके। कोई एक पढ़े, पांच पढ़े। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किया है। परमेश्वर बहुत बड़ा बड़ा काम किया है और करते रहा है, और पूरा दुनिया को बनाया है, बड़ा बड़ा काम किया है, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, तू हमारे लिए करता है, अभी भी किया है और अभी भी हमारे लिए करता है, वो बहुत सी है। वो बहुत है। और आगे, तेरे तुल्य कोई नहीं दुनिया में, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ दाऊद अभी बता रहा है, हम भी अपना मुंह से बताएं दाऊद का साथ, कि मैं तो चाहता हूँ कि खुलकर उनकी चर्चा करूं। जितना भी प्रभु हमारा लिए काम किया है, दुनिया के लिए काम किया है, वो हमें खुलकर चर्चा करूं। आश्चर्य कर्म भी क्या है और बहुत बड़ा बड़ा काम क्या है हमारे जीवन में, वो खुलकर हम चर्चा करूं। और चर्चा करना चाहिए। परंतु आगे पढ़ो, परंतु उनकी गिनती हो नहीं सकती। इतना आशीष, इतना दया, इतना काम प्रभु परमेश्वर दुनिया के लिए और इंसान के लिए किया, उसका गिनती हो नहीं सकती। आकाश का तारा हम गिनती कर नहीं सकते, परमेश्वर ने बनाया है। सूरज का पूरा तेज रश्मि हम देख नहीं सकते, प्रभु ने बनाया है।
समुंदर का पानी हम माप नहीं सकते, ये प्रभु ने बनाया है। हमारे जीवन में प्रभु हर समय हर मिनट में आशीष देता है, वो आशीष हम काउंट कर नहीं सकते। इसीलिए प्रभु को अपने सिंपल तरीका से अगर हमको समझना है तो हमें जितना प्रभु हमको समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दिया है उसी तरीका से हमें अपना अपना ढंग से प्रभु को समझे। और प्रभु को बेहतर ढंग से समझना है तो प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में अगर आएगा, आत्मा हमको प्रभु का बारे में समझाएगा। और बहुत सारे बाइबल में बहुत सारे आत्मा का फल भी लिखा है, और आत्मा हमको ज्ञान और बुद्धि और प्रभु का निकट में हमको लाएगा और हमको एक बेहतर ढंग से प्रभु को समझने में और दूसरा को समझाने में हमको आत्मा प्रभु पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा और करता भी। और छह भी पढ़ो, मेल बलि और अनबलि से तू प्रसन्न नहीं होता। प्रभु परमेश्वर पर पुराना जमाना में लोग पाप करने का बाद बलि देते थे, आरी बहुत सारे बलि का अलग अलग नीति था, कोई बकरी देता था, कोई कबूतर देता था और कोई छोटा छोटा और कुछ कुछ पक्षी पशु देता था अपना पाप को लेकर पाप का मुक्ति के लिए। लेकिन अभी परमेश्वर और यहाँ पर भजन संहिता में लिख रहा है दाऊद, छह पढ़ो आप पढ़ोगे हैं, मेल बलि और अनबलि से तू प्रसन्न नहीं होता। आगे तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं। हाँ आगे होम बलि और पाप बलि से पाप बलि तूने नहीं चाहा। नहीं चाहा होम बलि और पाप बलि तो नहीं चाहा। मैं पापी हूँ, मैं पाप किया है, लेकिन उसकी बदले तू बलि नहीं चाहा। क्या चाहा तू? तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ खाली हाथ में तेरा सामने, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसे ही लिखा हुआ है कि हमें हम बलि और पाप बलि प्रभु अब नहीं चाहेगा। हमें खाली हाथ में प्रभु का पास जाकर सिर्फ धन्यवाद करना है, सिर्फ धन्यवाद करना है। और धन्यवाद जो काम क्या है उसको एहसास करने की जरूरत है। अभी 10 पढ़ो 10। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की। थोड़ा पढ़ो। मैंने तेरा धर्म मन में ही मैं नहीं रखा। प्रभु परमेश्वर का जो काम क्या है वो हमें मन में ही नहीं रखना है। दाऊद बोल रहा है मैंने मन में ही नहीं रखा है, मैंने तो जाना, दूसरा को भी मैंने सुनाया, दूसरा को भी मैं सुनाया। पढ़ो आगे, थोड़ा पढ़ो। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। चर्चा की है, तू बड़ा बड़ा काम मेरा जीवन में क्या है वो दूसरा को मैंने बताया गवाही के रूप में, टेस्टिमनी की रूप में। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। नहीं रखा, बड़े बड़े सभा में, बड़े बड़े मीटिंग में तू तेरा गुण, तू जो उद्धार किया है, तेरा काम का बारे में मैंने लोगों को बताया है। लोग बड़ा बड़ा मीटिंग करते हैं, मीटिंग में बहुत लोग साहस का साथ जाकर, बड़ा लोग लखे दो लोग होते हैं वहां पर जाकर लोग बताते हैं कि प्रभु मेरे को उद्धार किया है, प्रभु मेरे को मुक्त किया है, प्रभु मेरे को मेरा बच्चा से मुक्त किया है, मेरा बच्चे से मेरे बच्चे को ठीक किया है, मेरा हस्बैंड को ठीक किया है, मेरा बीवी को ठीक किया है, मेरा देश को ठीक किया है। ये सारे चीज बड़े बड़े मीटिंग में भी लोग बताते हैं। तो दाऊद बोल रहा है मैं चुप नहीं रहा। अभी दाऊद का साथ आप मिला करके बोल सकते हैं हमारा जीवन में थोड़ा भी प्रभु काम किया तो हमें दूसरा को बताना है और महसूस करना है कि ये प्रभु की जरिया से एक काम मैंने किया। स्टूडेंट हो,
हाउसवाइफ हो, काम करने वाले हो, मजदूरी हो, कोई भी व्यक्ति हो, एहसास कराना है कि हमें अगर जीते हैं तो प्रभु की दया से जीते हैं। हमारा जो सांस चल रहा है वो प्रभु ही चलाता है, प्रभु हमारा अंदर है और प्रभु सभी काम प्रभु हमारा होकर प्रभु करता है। अगर प्रभु हमारा मन से चला जाएगा, हमारा शरीर से चला जाएगा, तो हमें मुर्दा घोषित किया जाएगा। तो हमें जो रूह है, हमारा शक्ति है, हमें प्रभु की माध्यम से ही प्रभु ही चला रहा है, ये हमें एहसास करना है। 11 पढ़ो। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। दाऊद बहुत विनम्र से करता है, मैं तेरा काम मैं कर रहा हूं, तू भी डिमांड कर रहा है, तू भी मेरा साथ अन्याय ना कर, तू भी बड़े बड़े आशीर्वाद मेरे से हटाना नहीं, तेरे छोटे छोटे आशीर्वाद नहीं, तेरे लिए मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा सभा में तेरा नाम में प्रचार कर रहा हूँ, तेरा गुण को प्रचार कर रहा हूँ, तू भी मेरे को बड़ा आशीष से आशीषित करना है, टालना नहीं। आगे, तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती है। हाँ, तेरी करुणा और तेरी सत्यता से और तेरी दया से मेरा जीवन लगातार चलते रहेगा, आशीष लगातार आते रहेगा और मेरा जीवन बहुत स्मूथली चलते रहेगा। उसका साथ हमें, दाऊद का साथ हमें, उसका शब्द को हमें समझना है और हमारा जीवन में ऐसे होता है, प्रभु ऐसे करता है, तो प्रभु का काम हम करेंगे तो प्रभु हमारा काम भी करेगा। उसका माने नहीं कि प्रभु का काम हम नहीं करेंगे तो प्रभु हमारा काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसका बेटा बेटी है हमें, हमें कुछ भी नहीं करेगा फिर भी प्रभु हमको उद्धार करेगा। माँ बाप से ज्यादा प्यार मैं करता हूं, प्रभु ने बोला तेरा माँ बाप तेरे को छोड़ सकते हैं लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, तो कितना महान प्रेम कर रहा है। तो इसीलिए यीशु मसीह को अपना बेटा बना करके संसार में भेजा और प्रभु यीशु मसीह के जरिया से संसार को उद्धार दिलाया। इसीलिए हमें भी प्रभु का साथ रहना है और हम भी प्रभु का काम करते रहना है, प्रभु हमारा काम भी करते रहेंगे, प्रभु सभी को आशीष दे। ये समय है कि हमें अपना अपना टेस्टिमनी, अपना अपना आशीष